जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे थे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, और साथ ही इसमें हम लोग जानेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं। तो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट लेसन है, इनमें से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शायद आपको इस लेसन से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, साथ ही में भारतवर्ष में किन शक्तियों द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाया जा रहा है, शिक्षा का इस प्रक्रिया में क्या साधन है। तो सामाजिक परिवर्तन से मतलब ये होता है ठीक कि किसी जो जीवन है, जो हम सबका जीवन है, तो जीवन के किसी पक्ष में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना क्या कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। और ये जो सामाजिक परिवर्तन है ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ, एक तो सामाजिक है और दूसरा क्या है परिवर्तन। जैसा नाम से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन, एक सामाजिक और दूसरा परिवर्तन। सामाजिक शब्द का आशय आप सबको स्पष्ट है कि सामाजिक शब्द जो है वो समाज से संबंधित है, और मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। परिवर्तन से आशय भिन्नता का होना, प्रत्येक वस्तु का एक पूर्व रूप होता है, कुछ समय पश्चात उसमें भिन्नता आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग परिवर्तन का अर्थ देखेंगे। तो फीचर ने परिवर्तन का क्या अर्थ बताया है, उन्होंने बताया कि परिवर्तन को संक्षेप में पहले की अवस्था अथवा अस्तित्व के प्रकार के अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आप इनमें से ये कथन ध्यान में रख सकते हैं परिवर्तन के सापेक्ष कि फीचर ने क्या कहा है। सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। कुछ समाज शास्त्रियों के अनुसार सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, परंतु इसके विपरीत कुछ अन्य समाज शास्त्री सामाजिक संबंधों में अंतर को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समाज सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचे तथा सामाजिक संबंधों का क्या होता है, मिश्रित रूप होता है, अतः समाज में परिवर्तन इन सभी भागों में होने वाला परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन के कारक देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कारक हैं जैसे कि प्राकृतिक तथा भौगोलिक कारक। तो समाज में परिवर्तन प्राकृतिक रूप से भी होता है, भौगोलिक रूप से भी होता है। तो सामाजिक परिवर्तन का ये भी एक कारक है, जैसे आप जंगल, पहाड़, वर्षा ऋतुएं, मौसम, समुद्र और भी कई सारी चीज़ प्रकृति में जो होती हैं देखते हैं, और वहाँ पर प्राय मानव प्राकृतिक आपदाओं के कारण जीवन व्यापार में भी परिवर्तन लाने को विवश हो जाता है। साथ ही प्रकृति के शांत रहने पर निर्माण एवं विकास के कार्य अधिक होते हैं। अगर प्रकृति शांत रहेगी तो निर्माण और विकास के कार्य अधिक होंगे। अगर जो प्रकृति है उस अगर वो अपना रौद्र रूप धारण कर लेगी तो वहाँ पर विनाश ही विनाश होगा। तो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। ऐसे ही जनसंख्यात्मक कारक कैसे, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है डेमोग्राफिक फैक्टर। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है कि मानव संसाधन पर दबाव पड़ता है, क्योंकि संसाधन तो सीमित होते हैं बल्कि जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या में कम या अधिक दबाव भी परिवर्तन का कारण बनता है। ज़्यादा जनसंख्या होने पर गरीबी ज़्यादा होगी, संघर्ष होगा, तनाव भी बढ़ेगा ठीक, और बेरोजगारी और सामाजिक विघटन भी बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है प्रौद्योगिकी कारक। तो प्रौद्योगिकी कारक के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। इसके कारण नई संस्थाओं की स्थापना के साथ छुआछूत और जातिवाद का कमजोर होना तथा नगरीकरण में वृद्धि होती है, जिसके कारण समाज में परिवर्तन होता है। एक समाजशास्त्री हैं ऑगबर्न हैं, उनके अनुसार रेडियो के आविष्कार के फलस्वरूप समाज में 150 प्रकार के परिवर्तन रेखांकित किए गए। इसी क्रम में औद्योगिक की प्रक्रिया, श्रम विभाजन आदि के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सांस्कृतिक कारक। तो देखते हैं इसके संदर्भ में क्या है। संस्कृति ही निर्धारित करती है कि समाज कैसा होगा। सांस्कृतिक प्रायः तकनीक एवं उद्योग धंधों के विकास के साथ जनसंख्या की स्थिति एवं प्रसार भी सुनिश्चित करती है। भौगोलिक संस्कृति हमारी आदतों एवं अभौतिक संस्कृति हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। सांस्कृतिक प्रसार के कारण भी परिवर्तन होता है, जैसे मूल्यों में परिवर्तन के साथ सरकारी एवं प्राइवेट कार्यालयों, कारखानों में कार्य संस्कृति में बदलाव का होना। तो प्राकृतिक, जनसंख्यात्मक, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, ये कारक आपने देखे हैं। तो सांस्कृतिक में तीन प्रकार के जो मूर हैं, मूर के अनुसार
सांस्कृतिक कारक समाज में तीन प्रकार से परिवर्तन करते हैं, एक तो सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक प्रसार और पर संस्कृति ग्रहण। ठीक, नेक्स्ट हमारा है राजनैतिक कारक। तो इसमें क्या है, राजनीतिक कारणों के फलस्वरूप युद्ध, संधि आदि के मार्ग प्रशस्त होते हैं। युद्धों के कारण महाविनाश की स्थिति बनती है तथा समाज में नए समीकरण जन्म लेते हैं। प्राचीन काल में हुए महाभारत के युद्ध सहित विश्व के दो महायुद्धों के कारण सामाजिक संरचना बुरी तरह प्रभावित हुई, फलतः जबरदस्त रूप से समाज में परिवर्तन हुआ। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है धार्मिक कारक और ये अंतिम पॉइंट है। चार्ल्स अल्वर्ड के अनुसार धर्म सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष कारक है। समाज और व्यक्ति पर सदैव ही धर्म का नियंत्रण रहा है, आप सबको पता है। भारतीय समाज में भी धर्म की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और है भी। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे धार्मिक आंदोलनों के फलस्वरूप भारत में हर स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे 6 पॉइंट्स के माध्यम से समझा सामाजिक परिवर्तन के कारक। नेक्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या है, और ये जो प्रश्न है ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। साथ ही सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार लिखिए, या फिर ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन किस प्रकार बनाई जा सकती है। तो उत्तर आप ध्यान में रखिएगा, बाकी प्रश्न 3 प्रकार से ऐसे बन सकते हैं। ठीक, तो आपको समझना होगा कि हमको उत्तर किस ढंग से लिखना है, और प्रश्न भी अपने दिमाग में रखना है कि कैसे प्रश्न बनते हैं। तो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती है। सामाजिक परिवर्तन पहले भौगोलिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता है, फिर उसका रूप अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन का हो जाता है। शिक्षा का कार्य यह भी है कि वह वर्तमान में उन परिवर्तनों को लाने का प्रयास करे जो समाज में नव जीवन का संचार कर दे और इस प्रकार समाज प्रगति की ओर बढ़ने लगे। ठीक, समाज सदैव सक्रिय रहता है और इसी कारण उसमें सदैव परिवर्तन आता रहता है। कुछ व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। तो इतना अगर आप समझ चुके हैं तो पर्याप्त है। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय, इसके संदर्भ में हम जानेंगे। तो शिक्षा क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं कि शिक्षा दी जा रही है तो बिना किसी मतलब के दी जा रही है, बिना किसी उद्देश्य के दी जा रही है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है या क्रिया है। समाज अपने सदस्यों के लिए शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करता है। समाज के बदलने पर शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। शिक्षा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाती है, लेकिन यह ध्यान रखती है कि परिवर्तन के कारण समाज के जो शाश्वत मूल्य हैं उनमें किसी भी प्रकार का अंतर ना आए। शिक्षा द्वारा ही समाज के व्यक्ति यह निर्णय कर पाते हैं कि कौन सा परिवर्तन उचित है और कौन सा अनुचित। शिक्षा ही उसके परिवर्तन का महत्व स्पष्ट करती है और बाधक कारकों को दूर करने में सहायक होती है। समाज के शिक्षित व्यक्ति ही अपने में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वासों को दूर कर वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा एक प्रकार से साधन या मार्गदर्शन की भूमिका अदा करती है। जॉन डीवी के संबंध में विचार व्यक्त किया है कि इस संबंध में जॉन डीवी ने विचार व्यक्त किया है वो है कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो किसी भी समाज को प्रगति की ओर ले जा सकता है। और राधा कृष्णन ने भी यहाँ पे एक मत स्पष्ट किया है कि शिक्षा परिवर्तन का साधन है। उनके अनुसार जो कार्य साधारणतया समाज में परिवार, धर्म, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है वही आज शिक्षा संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही शिक्षा आयोग के भी विचार हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप ऊपर अगर जो लाइन अभी हमने जिन पर बात करी है अगर वो आपके दिमाग में है तो फिर पर्याप्त है। बाकी जॉन डीवी ने क्या क्या कहा है और राधा कृष्णन जी ने क्या कहा है इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय विभिन्न कार्य जो हैं निम्न प्रकार हैं। तो शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय, इनके कार्य क्या हैं, तो शाश्वत मूल्यों का संरक्षण, ठीक, जो इटर्नल वैल्यूज़ हैं उनका क्या करें, संरक्षण। तो प्रत्येक समाज में कुछ स्थायी मूल्य होते हैं जो समाज को क्या प्रदान करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। जैसे भारतीय समाज के शाश्वत मूल्य क्या हैं, सहिष्णुता, सत्यम शिवम, दूसरों का कल्याण, अहिंसा आदि, ये जो शाश्वत मूल्य हैं इन सामाजिक परिवर्तन में ये सब कम ना होने पाए, ठीक है।
इनका जो स्थायित्व है वो बना रहे। सेकंड जो पॉइंट है वो है नवीन परिवर्तन लाने में सहायक। तो समाज में विभिन्न कारकों के फलस्वरूप नवीन विचार जन्म लेते हैं जो सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। शिक्षा इन विचारों एवं परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक हस्तांतरण। सांस्कृतिक हस्तांतरण की क्रिया समाज को एक स्थायित्व एवं निरंतरता प्रदान करती है, साथ में आवश्यकता अनुसार सुधार के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशील संबोध है, स्वतः गतिशीलता के कारण इसमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। शिक्षा इस सामाजिक गतिशीलता को बनाए रखने के प्रयत्नशील रहती है। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार। शिक्षा के द्वारा ही समाज में सुधार हेतु आंदोलन की जो पृष्ठभूमि होती है वो सृजित होती है। इसके द्वारा जन जागृति होती है और समाज में इन सुधारों के लिए स्वीकृति का वातावरण तैयार होता है। इसके बाद ज्ञान के क्षेत्र में विकास और ऐसे ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व। तो शिक्षा के द्वारा शिक्षा क्या होती है, समाज में भाई कुछ ऐसे कुशल व्यक्तियों का निर्माण करती है जो समाज में परिवर्तन लाने या समाज में जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उनका नेतृत्व करने में वो जो आदमी शिक्षा के द्वारा कुशल बने हैं वो इन सब का नेतृत्व करते हैं और शिक्षा ही ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करती है। परिवर्तनों की समीक्षा। तो ये 8 पॉइंट हैं, इनके द्वारा आप समझ गए होंगे कार्य। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन पर शिक्षा का प्रभाव बताइए, हमारा अगला प्रश्न है। तो यदि यह सत्य है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है तो यह भी सत्य है कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो शिक्षा को प्रभावित करता है। प्रत्येक समाज अपनी शिक्षा के स्वरूप का निर्माण स्वयं करता है, समाज की आवश्यकता के अनुसार ही क्या होता है शिक्षा की जो रूपरेखा होती है वो तैयार की जाती है। यदि समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो शिक्षा में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है कि यह परिवर्तन वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण आया है या राजनैतिक दिशाओं के कारण, प्राकृतिक घटनाओं के कारण आया है या इतिहास इसकी पुष्टि करता है। प्राचीन भारत में धर्म प्रधान समाज था, अतः उस समय शिक्षा क्या थी, धर्म प्रधान थी। और मध्यकाल में समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, अतः शिक्षा भी लगभग अपरिवर्तित रही। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कि जो शिक्षा का स्वरूप है वो बदल गया है और समाज का रूप भी बदल गया है, क्योंकि विज्ञान की प्रगति ने प्रत्येक व्यक्ति को भौतिकवादी बना दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि मनुष्य का रहन सहन और खान पान, आचार विचार, मूल्य बिल्कुल बदल गए हैं, अतः और व्यक्ति का दृष्टिकोण भी काफ़ी विस्तृत हो गया है। इसका शिक्षा पर प्रभाव यह हुआ कि पाठ्यक्रम विस्तृत हो गया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियां सब कुछ बदल गई हैं। रेडियो तथा टेलीविज़न के द्वारा शिक्षा आधुनिक युग की देन है। तो यहाँ पर जो इस लेसन से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वहाँ उन पर हम लोगों ने चर्चा करी। अब हम कुछ अति लघु त्रि प्रश्नों की चर्चा करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पहला है कि मैकाइवर के अनुसार समाज क्या है। तो मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का क्या बताया, जाल बताया है। फीचर के अनुसार परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन को संक्षेप में पहले की अवस्था तथा अस्तित्व के प्रकार के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने की शक्तियाँ कौन सी हैं। तो आविष्कार, राजनीतिक परिवर्तन, इतिहास, सामाजिक कुरीतियाँ, आर्थिक परिस्थितियां, ग्राम पंचायत, धार्मिक तत्व, शिक्षा। तो इन शक्तियों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं और ये प्रश्न आया भी हुआ है क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती है। सामाजिक परिवर्तन पहले भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता है, फिर उसका रूप अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन का हो जाता है। शिक्षा का कार्य यह भी है कि वह वर्तमान में उन परिवर्तनों को लाने का प्रयास करे जो समाज में नव जीवन का संचार कर दें और इस प्रकार समाज प्रगति की ओर बढ़ने लगे। नेक्स्ट है समाज द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बताइए। तो समाज सदैव सक्रिय रहता है और इसी कारण उसमें सदैव परिवर्तन आता रहता है। कुछ व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सिडनी हुक के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन शिक्षा के द्वारा कैसे होता है। तो सिडनी हुक के अनुसार समाज की संस्कृति को आत्मसात करना तथा उसे आगामी संतान तक पहुंचाना शिक्षा का कार्य है। इस प्रकार शिक्षा समाज को सतत जीवन प्रदान करके उसे शाश्वत बनाने में सहायक
होती है। तो यहाँ पे इतने ही अति लघुतरी प्रश्न हैं, उन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली, और ये जो वीडियो है यहीं तक है। आई होप वीडियो के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।